इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। गत दिनों वर्ला थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम धवली से लापता हुई प्रजापति समाज की युवती ज्ञापन को लेकर प्रजापति समाज में भारी आक्रोश का माहौल छाया हुआ है। प्रजापति समाज एवं हिंदू सकल पंच के कार्यकर्ताओं ने मिलकर पलसूद थाना प्रभारी को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नाम ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि प्रजापति समाज की 22 वर्षीय युवती को किसी कालीनामा मुस्लिम युवती द्वारा अपहरण कर गायब कर दिया गया है, जिसके विरोध में प्रजापति समाज हम शकल हिंदू समाज द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए दोषी महिला के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने व लापता युवती को खोज कर परिजन के सुपुर्द करने का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में समाज जनों द्वारा काली नानक धौली निवासी महिला द्वारा हिंदू लड़कियों को बहला फुसला कर भगाने का कृत्य लव जिहाद के अंतर्गत किया गया है, जो गहन जांच का विषय होते हुए दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की। बहादुर नामक मुस्लिम युवती के द्वारा दिनांक 8 सितंबर 2022 को ग्राम धौली तहसील वर्ला के अपहरण कर लिया गया है। दिनांक 8 सितंबर 2022 को समय करीब दोपहर 2 बजे अपनी सहेली मुस्कान के बुलाने पर गई थी। तत्पश्चात काफ़ी समय के बाद नंदिनी वापस नहीं लौटने पर काली से संपर्क किया तो नंदिनी के बारे में कोई भी जानकारी देने से स्पष्ट मना कर दिया गया। इसके पश्चात नंदिनी के पिता द्वारा पुलिस थाना वर्ला पर सूचना दी गई कि नंदिनी के गुमशुदा होने की सूचना दी गई, जबकि वर्ला पुलिस को अवगत करा दिया गया था कि नंदिनी काली नामक युवती के नियमित संपर्क में थी। मुस्कान के मोबाइल नंबर पर नियमित नंदिनी के मोबाइल नंबर से नियमित बातचीत होती रही थी, जिसके संबंध में पुलिस वर्ला को बताए जाने के बावजूद पुलिस वर्ला के द्वारा गुमशुदगी संबंधी सूचना से इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया। नंदिनी की गुमशुदगी वह इस संबंध में सामाजिक तनाव उत्पन्न होने की संभावना, जिससे प्रशासन को कोई भी परेशानी का सामना कर पड़ सकता है। पुलिस वर्ला के द्वारा अभी तक इस संबंध में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई तथा नंदिनी के गुमशुदा होने के संबंध में नामजद रिपोर्ट देने के बावजूद भी थाना प्रभारी वर्ला के द्वारा रिपोर्ट दर्ज करने से स्पष्ट मना कर दिया गया, जिससे हिंदू समाज में रोष उत्पन्न हो गया तथा पुलिस के असहयोगात्मक रुख के कारण भविष्य में हिंदू समाज बड़े आंदोलन की ओर अग्रसर है। महोदय, आपसे आशा है कि इस घिनौने कृत्य को लेकर आप जल्द से जल्द निर्णय लेकर देश की बेटी को इंसाफ दिलाएंगे। लव जिहाद बंद करो, लव जिहाद बंद करो, लव जिहाद बंद करो, अपहरणकर्ता को फांसी दो, अपहरणकर्ता को फांसी दो, अपहरणकर्ता को फांसी दो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सर, किस प्रकार का ज्ञापन दिया गया आज? धौली में प्रजापति समाज के दीपक की लड़की नंदिनी का अपहरण हुआ और वो मुस्कान खान करके जो लड़की है वहाँ उसका नाम आ रहा है, उसी के द्वारा ये अपहरण किया गया और समाज को पूरी तरह से ये विश्वास है कि वो बिल्कुल लव जिहाद का ये मामला है और मुस्कान खान ने उसको भगाने में पूरी तरह से मदद की है। वो उसके काफ़ी दिनों से संपर्क में थी और आए दिन मुस्कान खान के कई मामले सामने भी आए हैं, इसलिए जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया समाज ने और पूरे ज़िले में समाज में भारी आक्रोश है। प्रत्येक थाने में ज्ञापन दिया गया, 3 दिन का समय दिया है। अगर इस संबंध में किसी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो माननीय मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी को अवगत कराया जाएगा और समाज है तो उसके लिए आंदोलन करेगा। क्या मुस्कान खान द्वारा इस प्रकार का कृत्य पूर्व में भी किया गया, इसकी जानकारी है आपको? ऐसा गांव वाले बताते हैं कि उसका संदिग्ध गतिविधियों में हाथ रहा है हमेशा और वो पूरी तरह से मतलब संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त पाई गई है। नागरिकों का ऐसा, धौली ग्राम के लोगों का ऐसा कहना। क्या वो लव जिहाद नामक किसी सिंडिकेट में काम कर रही है, ऐसी कोई जानकारी आपको? भावना बनती है जो इस प्रकार से वो हिंदू लड़कियों के संपर्क में आकर लड़कियों को गायब करना, तो निश्चित तौर से कोई उसका नेटवर्क है जो बड़े लोगों के संपर्क में है। इसकी जांच होना चाहिए, बिल्कुल जांच होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या शुभ नाम है आपका? मोहनलाल गोले जी। धन्यवाद। लव जिहाद बंद करो, लव जिहाद बंद करो, अपहरणकर्ता को फांसी दो, अपहरणकर्ता को फांसी दो, अपहरणकर्ता को फांसी दो। जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम। अब देखा पूरा, जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम्।
निकाल भैया फोटो निकाल। सर किस प्रकार का ज्ञापन दिया गया आज? एक हिंदू लड़की को किसी मुस्लिम लड़के द्वारा अपहरण किया गया, इस संबंध में कुमार समाज के लोगों द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। यह ज्ञापन उचित माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ओर भेजा जाएगा और हमें बड़ा खेद है कि इस तरह की घटना कारित हुई है। मैं चाहता हूँ कि इसका तत्काल निराकरण हो। ठीक, धन्यवाद सर। थैंक यू। इंडियन टीवी न्यूज़, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज़ नेटवर्क।